नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस्ट के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है राजकोट गुजरात से, जहां पर दोस्तों राजकोट सिटी के फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा राजकोट सिटी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए गए हैं और इनकी ओवरऑल वैल्यू 5,860 करोड़ रुपीज़ की बताई गई है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो राजकोट में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1,100 न्यू हाउसेस, मोरबी बल्क पाइपलाइन प्रोजेक्ट, रीजनल स्पेस सेंटर, कुछ फ्लाईओवर्स एंड कुछ रोड प्रोजेक्ट्स इनका इनोग्रेशन किया गया है। जबकि नेशनल हाईवे 27 पर राजकोट से जेतपुर सेक्शन का 6 लेनिंग, मोरबी, राजकोट, बोटड, जामनगर एंड कच्छ, यहां पर 2,950 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में GIDC के इंडस्ट्री सेट्स, घरका में अमूल फेडरेशन का एक डेयरी प्लांट, एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, कुछ रेल प्रोजेक्ट्स और कुछ रोड प्रोजेक्ट्स के लिए भी फाउंडेशन रखा गया है, जिसके चलते आने वाले समय में राजकोट सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल वो और भी बेहतर होता हुआ देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है बेंगलोर मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बेंगलोर मेट्रो के अंतर्गत व्हाइटफील्ड से ITPL के बीच में ट्रायल रन सब स्टार्ट कर दिए गए हैं और बहुत ही जल्द यहां पर कमर्शियल ऑपरेशंस भी स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों बेंगलोर मेट्रो करंटली एक ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है, जिसका फेज वन करंटली ऑपरेशनल है। फेज टू में पर्पल लाइन को बायापेनाहाली से व्हाइटफील्ड के बीच में एक्सटेंड किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी स्ट्रेच 15.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 13 मेट्रो स्टेशन को बनाया जा रहा है और अब इसी के अंतर्गत 3.5 किलोमीटर की स्ट्रेच पर जो ट्रायल रन से वो स्टार्ट किए गए हैं, जो कि व्हाइटफील्ड से ITPL के बीच में है। 3.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच पर 6 कोचेस वाली मेट्रो को दौड़ाया गया था और दोस्तों इसका जो पहला ट्रायल रन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुआ है। कहा ऐसा गया है कि जिस प्रकार यहाँ पर ट्रायल्स लिए जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर यहाँ से कमर्शियल ऑपरेशंस भी स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड को लेकर, जहां पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इस न्यू लिंक रोड का काम फास्ट पेस पर डाल दिया गया है और बहुत ही जल्द अब इसके अंदर दो अंडरग्राउंड टनल्स का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया जाना है। दोस्तों गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड एक 12.2 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। 12.2 किलोमीटर में से 6-7 किलोमीटर का स्ट्रेच इसका ओपन रोड्स का होगा, जबकि रिमेनिंग स्ट्रेच में टनल्स बनकर तैयार होंगी। इनिशियल प्लान के अकॉर्डिंग और टेंडर के अकॉर्डिंग एक टनल 4.7 किलोमीटर लंबी होगी, जबकि दूसरी टनल 1.6 किलोमीटर लंबी होगी। दोनों टनल्स का कंस्ट्रक्शन संजय गांधी नेशनल पार्क के अंडर में किया जाएगा और अब दोनों टनल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए BMC के द्वारा टेंडर भी इनवाइट कर दिए गए हैं। पहले दोस्तों प्लान बनाया गया था कि दोनों टनल्स के कंस्ट्रक्शन के ऊपर 4,700 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे, पर क्योंकि अब इन टनल को और भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया जाएगा तो इसी के चलते इसकी कॉस्ट बढ़कर 6,322 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो ये मुंबई का 4th ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों अहमदाबाद मेट्रो का डेवलपमेंट वर्क अब आपको और भी तेज होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा अहमदाबाद मेट्रो के लिए फंडिंग अप्रूव कर दी गई है। दोस्तों अहमदाबाद मेट्रो एज ऑफ नाउ गुजरात सिटी की वन एंड ओनली ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है और रिसेंटली इसके फेज टू के कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका फाउंडेशन भी रख दिया गया था और अब इसी फेज टू के अंतर्गत जो बने वाले कॉरिडोर्स हैं उनके लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी 1,700 करोड़ रुपीज का लोन प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊं तो फेज टू ओवरऑल 28.26 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 22.84 किलोमीटर का एक स्ट्रेच और 5.42 किलोमीटर का दूसरा स्ट्रेच होगा। पहला स्ट्रेच मोटेरा स्टेडियम को कनेक्ट करेगा, जबकि दूसरी स्ट्रेच गिफ्ट सिटी को कनेक्ट करेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे जो मेक इन इंडिया फिर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं अब वर्ल्ड के दूसरे मार्केट्स को कैप्चर करने लगे हैं, क्योंकि रिसेंटली नेदरलैंड्स हमारे देश के लिए 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। सो बेसिकली दोस्तों बात करें इस फाइनेंशियल ईयर में अगस्त तक की, तो इस फाइनेंशियल ईयर में अगस्त तक 35.2 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट वैल्यू के साथ में US नंबर वन पर, 13.8 बिलियन डॉलर्स की वैल्यू के साथ में UAE सेकंड नंबर पर और अब 7.5 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन के साथ में नेदरलैंड्स हमारे देश के लिए 3rd एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन बन गया है। ईयर ईयर बेसिस पर नेदरलैंड्स को जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 106% ग्रो होते देखने को मिले हैं। इसके अलावा ब्राजील, जो कि पिछले साल 21st पोजीशन पर था, इस साल 8th रैंक पर आ गया है। इंडोनेशिया 14 से 7th रैंक पर आ गया है और स्पेसिफिकली कहा ऐसा गया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो दूसरी कंट्रीज में अब बढ़ चढ़ कर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड में जो और भी कंट्रीज हैं वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट को कैप्चर करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों चेन्नई सिटी के फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि चेन्नई सिटी का जो एरिया है उसको एक्सपांड किया जाएगा और इसको लेकर एक गवर्नमेंट इश्यू ऑर्डर कर दिया गया है। दोस्तों चेन्नई हमारे देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और करंटली इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया 1,189 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, लेकिन अब डिसाइड किया गया है कि इसके एरिया को इंक्रीज करके 5,904 स्क्वायर किलोमीटर तक कर दिया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट करंट एरिया के 4.5 से 5 गुना के आसपास होगा।
इस न्यू प्लान के अंतर्गत त्रिवल्लू डिस्ट्रिक्ट के 550 विलेजेस, रानीपेट डिस्ट्रिक्ट के 44 विलेजेस, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के 335 विलेजेस एंड चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट के 296 विलेजेस को ऐड किया जाएगा और ऐसे में ओवरऑल न्यू एरिया में 1125 न्यू विलेजेस को ऐड किया जाना है। हालांकि दोस्तों इससे पहले प्लान बनाया गया था कि चेन्नई मेट्रोपॉलिटन का जो एरिया होगा उसको इंक्रीज करके 8800 स्क्वायर किलोमीटर तक किया जाएगा, लेकिन उस प्लान को ड्रॉप करते हुए डिसाइड किया गया है कि अब इसके एरिया को सिर्फ 5904 स्क्वायर किलोमीटर तक किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि अब इस न्यू एरिया को कैसे डेवलप किया जाता है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, स्पेसिफिकली इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 6 न्यू रोड्स अप्रूव कर दिए गए हैं और बहुत ही जल्द अब इनके ऊपर काम भी स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों एज ऑफ नाउ बहुत ही कम ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जो कि हमारे देश के बॉर्डर रोड्स को कनेक्ट करते हैं और अब नेशनल हाईवे 15 एंड ट्रांस अरुणाचल हाईवे के बीच में 6 न्यू इंटर रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनकी ओवरऑल लेंथ 2178 किलोमीटर की होगी। थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो इटाखोला से पारसीपालो के बीच में 391 किलोमीटर, कानूबारी से लोंगडिंग के बीच में 404 किलोमीटर, अकाजन से पांगो जोरगिंग के बीच में 398 किलोमीटर, गोगामुख ताहिला टाटो तक 285 किलोमीटर, थेलामारा से नीलिया के बीच में 402 किलोमीटर एंड पासीघाट बिशिंग के पास 298 किलोमीटर के ये ओवरऑल 6 न्यू रोड्स प्लान किए गए हैं और इनके ऊपर बहुत ही जल्द आपको काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा आरआरटीएस के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर जो वायरडक्ट का काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है और अब किसी भी समय यहां से आपको ट्रायल स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो सो एज ऑफ नाउ मैं आपको पूरा का पूरा इसका स्टेटस बताऊं तो एज ऑफ नाउ दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के अंतर्गत साहिबाबाद से दोही के बीच में बन रहा जो 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी स्टेज है यहां पर वायरडक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि दुहाई आरआरटीएस स्टेशन के पास में इसका लास्ट सेगमेंट प्लेस किया गया है। ओवरहेड इक्विपमेंट वर्क भी 35% तक कंप्लीट हो चुका है। यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आरआरटीएस ट्रेन साइड की जो डायनामिक टेस्टिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है और जो हमारी एनसीआरटीसी के द्वारा ये डेडलाइन सेट की गई है कि मार्च 2023 तक इस प्रायोरिटी स्टेज पर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे और जिस प्रकार से इस पर काम चल रहा है तो आपको कुछ ही महीने के अंदर अंदर ट्रायल भी स्टार्ट होते देखने को मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2023 तक इजिली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। आज की 200 लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज का नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन भी पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो गया है और अब इसके चलते हमारी रेलवेज का जो ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो 81.51% पर पहुंच गया है। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ हमारी रेलवेज के सिर्फ 2 से 3 रेल जोन ही ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं और अब इस न्यू रेल जोन को भी अब इसमें ऐड कर दीजिए। मध्य प्रदेश के ईशानगर से उदयपुरा के बीच में जो रेल सेक्शन है ये ऐसा लास्ट सेक्शन था जिसको नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत इलेक्ट्रीफाई किया गया है और इसी के इलेक्ट्रीफाई होने के चलते नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन जो कि प्रयागराज में हेडक्वार्टर्ड है और जिसके अंदर 3 रेल डिविजन्स आते हैं ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो पाया है और अब आने वाले समय में आपको नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रेन ही ऑपरेट होती हुई देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।